अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रायनास वर्ल्ड। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन कटलेट, जो बहुत ही टेस्टी और यम बन के रेडी होता है। प्लीज़ इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसको आप फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जब मर्जी तब आप निकाल ले सकते हैं और फ्राई करिए और खाइए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन लिया हुआ है, उसके बाद मैंने लिया 2 से 3 आलू, जिसको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, और है 1/2 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, और आधा गिलास से भी कम पानी डाल के इसको हम कुक कर लेंगे, गला लेंगे कि जब तक हमारा चिकन और आलू गल ना जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए गल गया है, और ये पानी जो है इसको हम ड्राई आउट करके एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे पहले। उसके बाद हमको करना ये है कि इसको अच्छे से हाथों से मसल के आटे की तरह गूंद के इसको सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन ओनियन, और फिर आप ग्रीन ओनियन के बजाय नॉर्मल ओनियन भी डाल सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने ऐड किया, इससे अच्छा लगता है। उसके बाद चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून के करीब, और 1/2 टेबल स्पून के करीब ही मैं डाल रही हूँ चाट मसाला डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से ही मिक्स करिएगा, जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, आटा गूंदना जैसे होता है वैसा इसको अच्छे से मिक्स कर ले। और देखिए ना, बातों बातों में मैं तो बताना भूल ही गई कि इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला भी जाएगा, और इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर भी, ये दोनों भी जाएगा जो मैं भूल गई थी बातों बातों में। तो इसको भी आप डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा साथ में ही। उसके बाद यहाँ पे एक अंडा मैंने लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल के मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आपको मेरे तरह जल्दी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना आप इसको अलग से भी कोट कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, उसके बाद अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये देखिए ब्रेड क्रम, अब हम ऐसे लेंगे, इसको डालेंगे और बस कोट कर लेंगे और ऐसे कटलेट्स की शेप दे देंगे। अगर अंडे को आप आलू इसमें नहीं डालना चाहते तो पहले आप जैसे बैटर उठाए अंडे में कोट करें, उसके बाद फिर आप डालें ब्रेड क्रम पे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने ऐसा करा था। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं, टेस्ट सेम ही रहेगा दोनों का, और बनाने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिर चलिए पहले फटाफट से मैं बना के सब रेडी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बना के सब रेडी कर लिया है, आप चाहें तो इसको तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको उठा के रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि मुझे अभी नहीं फ्राई करना है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं वन मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। एक एक करके प्लेट में रख दीजिए, उसको फ्रीज़र कर दीजिए, जब थोड़ा फ्रीज़ हो जाए तो उसको ऐसे कंटेनर में रख दीजिए। ये देखिए फ्रीज़ किया हुआ ये मेरा है। अब यहाँ पे मैंने ये फ्राई कर रही हूँ, इसको पलटते पलटते हुए बस हमको फ्राई करके इसको निकाल लेना है। बस ये हमारा कटलेट्स बन के रेडी हो चुका है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।